जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। सरकार ने बीएसएफ के दो बड़े अधिकारियों को पद से हटा दिया। इसी के साथ रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने ये फैसला जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर पाने के लिए लिया है। शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और स्पेशल डीजी वाईवी घुरानिया को पद से हटाया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके गृह राज्यों में वापस भेज दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आतंकवाद से जुड़े मामलों में इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नितिन अग्रवाल ने पिछले ही साल जून में ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ प्रमुख का पद संभाला था और दो साल बाद ही यानी 2026 में अपने पद से रिटायर होने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इस पद पर आने से पहले उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। नितिन अग्रवाल ने दिल्ली में सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा वो केरल में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम और गृह मंत्रालय का भी नेतृत्व कर चुके हैं। नितिन अग्रवाल ने साल 1983 से 1987 में दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक में डिग्री हासिल की है और वहीं साल 1989 में एमटेक की डिग्री पूरी की है। इसके अलावा अग्रवाल के पास सोशल साइंस में एमफिल की डिग्री भी हासिल है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से है। उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें सराहनीय सेवा के लिए साल 2007 में भारतीय पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए 2015 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। जानकारी के मुताबिक पद से हटाए गए अधिकारियों ने पिछले एक महीने में पाकिस्तान से सटी हुई जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया था और इसके अलावा कई जरूरी बैठकों का भी हिस्सा रह चुके हैं। इन सभी के बावजूद आतंकी घुसपैठ को प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल न होने की वजह से केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला किया गया और उन्हें उनके गृह राज्य में भेज दिया गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।